एसीसी जिमखाना क्लब मैदान में एसीसी कैमूर सीमेंट वर्क्स एवं नगर की समाज सेवी तपस्या ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 17वां स्वर्गीय श्री आर के शर्मा ग्रामीण खेल मेला का समापन हो गया है। समापन के अवसर पर टेनिस बॉल क्रिकेट का फाइनल मैच सम्पन्न हुआ, जिसमें कटनी की इंफिनिटी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में अपना कब्जा किया। अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले श्रमिक नेता स्वर्गीय श्री पंडित आर के शर्मा की स्मृति में 17वां ग्रामीण खेल मेला कैमूर इंटक व नगर की समाज सेवी तपस्या कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 5 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जिसका आज विधिवत समापन किया गया। खेल मेला के अंतिम दिन अनेक खेल भी संपन्न हुए। खेल मेले का समापन क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येन पाठक के मुख्य अतिथि एवं चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर सेंटर अडानी समूह कैमूर सीमेंट वर्क्स के वैभव दीक्षित के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। इस मौके पर अडानी ग्रुप एसीसी कैमूर के एचआर हेड एचपी सिंह, नगर परिषद कैमूर की अध्यक्षा मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, विजय राघवगढ़ की अध्यक्षा वसुंधरा मिश्रा, नगर परिषद कैमूर के पूर्व उपाध्यक्ष अजय शर्मा, समस्त पार्षदगण, कैमूर मंडल अध्यक्ष अंकुर ग्रोवर, कैमूर इंटक अध्यक्ष व खेल मेला के आयोजक अध्यक्ष अनिल मौर्य, जनरल सेक्रेटरी पंकज पीड़िया, कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी, टूर्नामेंट सेक्रेटरी मनीष नवैद सहित इंटक एवं तपस्या ग्रुप एवं खेल मेला आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। खेल मेला के समापन अवसर पर टेनिस बॉल क्रिकेट का फाइनल मैच भी खेला गया, जिसमें कटनी की इंफिनिटी क्लब एवं जिमखाना क्लब कैमूर के बीच खेला गया, जिसमें जिमखाना क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों में 10 विकेट गंवाकर 73 रन बनाए, जिसके बाद जवाबी पारी में उत्तरी कटनी की इंफिनिटी क्लब ने मात्र एक विकेट खोकर 6 ओवरों में ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही म्यूजिकल चेयर बॉम्बे इन द सिटी छात्रों के लिए स्लो साइकिल रेस और 60 वर्ष के ऊपर पुरुष वर्ग के लिए दौड़ भी आयोजित की गई थी। 8 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हुआ खेल मेला तो नाम है, पर एक खेलों का महाकुंभ है। मैं माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कैमूर और बिजराहोगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारा कैमूर, बिजराहोगढ़, संपूर्ण कटनी जिला खेल प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। जरूरत है सिर्फ इन्हें एक मंच देने की। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जो संपूर्ण रूप से सक्षम है उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस कैमूर की धरती पर, इस ग्राउंड में अगर आप खेल से संबंधित कोई भी आयोजन का हमको आदेश करेंगे तो हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। आपके आदेश की हमें प्रतीक्षा है और इसका परिणाम निश्चित तौर पर एक सुखद होगा। मैं ज्यादा भाषण न देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे यहाँ हमारे नगर पंचायत के अध्यक्षा, बिजराहोगढ़ के नगर पंचायत अध्यक्षा सहित उपाध्यक्ष एवं हम अपने समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन बंधन इंटेक परिवार की तरफ से करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे जो नागरिक बंधु हैं जिन्होंने इस खेल मेला को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, ये अप्रत्याशित था और मैं अपने लक्ष्य में सफल हुआ सर। मेरा उद्देश्य था कि घर से बच्चे निकले मैदान में आए, बच्चियां निकले मैदान में आए और आप अभी जब पुरस्कार अपने कर कमलों से वितरित करेंगे तो आपको स्वयं इस बात का एहसास होगा कि हमारे कितने बच्चे आज पुरस्कृत हो रहे हैं। एक बार मैं पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए माननीय प्लांट होने के कारण 1937 से 35 से यहाँ पे देश भर के लोग आके जॉब करके गए, बहुत से लोग यहीं बस गए, वो चाहे साउथ के रहे हों, चाहे नॉर्थ के रहे हों, चाहे ईस्ट के रहे हों, चाहे वेस्ट के रहे हों, यहाँ पे जॉब करने आए, एसीसी में नौकरी की, बहुत से लोग रुक गए, बहुत से चले गए, लेकिन दिल उनका कैमूर में आज भी बसता है। सब तरफ के लोग यहाँ पे और कैमूर सांस्कृतिक क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कैमूर ने एक अलग अपनी पहचान बना के रखी थी। हम तो जब पैदा हुए थे तब से सुनते आ रहे थे और देखते आ रहे थे। जब 4 साल का था मैं, 4 साढ़े 4 साल का रहा होगा, जब ये रामलीला देखने हम आए, ताऊजी लोगों के साथ पूरे बच्चे आते थे, तो रावण देखने आते थे, पूरे हिंदुस्तान से लोग कैमूर का रामलीला, कैमूर का रावण देखने आते थे। कैमूर रावण के लिए भी फेमस जी। बोलिए मौर्या जी।
खेलों को जुनून की तरह कैमूर में हमको ले आना है। और जैसा कि खेलो इंडिया के तहत भी हमारे दो तीन बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, इसमें हमारे एसीसी मैनेजमेंट, माननीय विधायक जी और हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त था। और विधायक जी ने जो उनके लिए मदद का आश्वासन दिया और साथ में हमारे जो कंपनी उनकी मदद कर रही है, मैं दोनों लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और इस कैमूर में मैं जब तक हूँ और हमारे छोटे भाई माननीय विधायक जी का जब तक हमको सहयोग मिलता रहेगा, मैं वो दिन दूर नहीं है कि मैं कैमूर में इसको जुनून की तरह जो क्या बोलते हैं इसको पैशन वो सारा लागू करते हुए बच्चों में इतना जुनून पैदा कर दूंगा, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे और एक कैमूर में अगले 2 से 3 साल में हम आपको इसको जो है ले आ करके दिखाएंगे। सिर्फ हमको भैया और कंपनी का सहयोग मिलता रहा तो धन्यवाद। जय।